आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ASMT का रिप्लाई कैसे करें। ASMT 10 आजकल आप लोगों को बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिप्लाई कैसे करें, तो इसका रिप्लाई करने की पूरी बात इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको कई सारे नोटिसेस और उसके रिप्लाई दिखाऊंगा कि किस क्वेरी में हमें क्या आंसर देना है। तो अभी मान लो जैसे कि हम पे लेटेस्ट आया हुआ है ASMT 10। अब ये सर, ये जो ASMT 10 है आपको 17-18 के लिए भी आ सकता है, 18-19-19-20-20-21-21-22-23 किसी के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको ASMT 10 आए उसमें दो केसेस हो सकते हैं कि या तो आपने अपना 9 और 9C भरा हो या आपके ऊपर 9 और 9C एप्लीकेबल हो ही ना। तो यहाँ पर बड़े चांसेज हैं कि अगर आप 9 और 9C भर रहे हो तो वो आपके 9 और 9C को भी कंसीडर करेंगे जब आपको ASMT 10 भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर 9 और 9C एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना, आपने उसे भरा ही नहीं है, तो वो 9 और 9C की रिटर्न्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले तो आपको अपना दायरा समझ लेना है कि अगर मेरे क्लाइंट की टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो जब वो ASMT 10 दे रहे होंगे तो 9 को कंसीडर करेंगे, 5 करोड़ से ऊपर है तो वो 9C को कंसीडर भी करेंगे, और अगर 1.5 करोड़ है 1 करोड़ है तो वो सिंपल जो आपने 3B फाइल करी है उसके बेसिस पर ASMT 10 देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ASMT 10 है जो हमारा रूल 99(1) के अंदर आता है, इसका मतलब ही होता है स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स का मतलब ही ये है कि भाई जो व्यक्ति ने रिटर्न्स फाइल करी है उन रिटर्न्स की स्कूटनी करो। तो मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 9 और 9C भर देगा तो उसे किस किस तरह की क्वेरी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ हेयर बाय इंटीमेटेड डैट ड्यूरिंग द स्कूटनी ऑफ, देखो इन्होंने किस किस चीज़ की स्कूटनी करी है, स्कूटनी ऑफ 3B करी, 2A करी, R1 करी, 9 करी और 9C करी। तो जब भी डिपार्टमेंट स्कूटनी करेगा तो जो रिटर्न्स आपने भरी है उनकी स्कूटनी करेगा, वो कह रहे कि हमने ये वाली डिस्क्रिपेंसी निकाली है। अब क्या क्या डिस्क्रिपेंसी निकाली और उसका क्या क्या जवाब देना जरा समझ लो। अगर आपको 9 और 9C के बाद आया तो ये जो ITC देखते हैं, ये देखते हैं टेबल नंबर 8A से। टेबल नंबर 8A जो कि हमारी 9 के अंदर आती है, तो ये कहते हैं कि भाई आपने 8A के अंदर इतना ITC आपका आ रहा है। 8A के अंदर ITC आने का मतलब क्या होता है कि मेरे सप्लायर ने इतने बिल पोर्टल पर चढ़ाए हैं जिसका ITC मुझे मिलना चाहिए। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो ITC क्लेम करा है टेबल 6A में वो इतना करा है, मतलब कि ज़्यादा करा है। कितना ज़्यादा करा है, लेट सपोज करो 23,000 रुपये ज़्यादा करा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 9 नहीं होती तो यहाँ पर 6A की जगह ये 3B लिख देते कि भाई 3B के अंदर आपने इतना ITC क्लेम करा है। 8A की जगह पर ये लिख देते 2B या 2A कि भाई आपके 2B 2A में इतना ITC आ रहा है। अंतर सिर्फ इतना होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे कि भाई जब ये क्वेश्चन आपके पास आया तो इसकी वर्किंग कैसे करें। इसके ASMT 10 आप लोगों को बहुत आए होंगे, तो इसका जो रिप्लाई हमने दिया है, ये कह रहे हैं कि भाई डिफरेंस 22,000 रुपये, आप हमें इसे जमा कर दो। तो अगर मैं बात करूँ जी इसका रिप्लाई हमने क्या दिया होगा, हमने उनकी बात को पहले चेक करा कि क्या भाई सच में ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने देखा हाँ भाई हमारे, ठीक है ना, जो 8A में ITC कम है 6A में ज़्यादा है। तो हम उसका रिप्लाई क्या दे रहे हैं कि भाई जो 2A के अंदर जो ITC होता है, ठीक है ना, 2A के अंदर जो ITC होता है और हम 3B में क्लेम करते हैं, कई बार 3B में ITC ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं। किस वजह से क्लेम कर लेते हैं कि भाई हो सकता है GSTR 1 हमारे सप्लायर ने फाइल ही ना करी हो, अगर फाइल करी हो तो गलत GSTN पे करी हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख देंगे तो साथ में अगर आप ध्यान दो तो हम एक सर्कुलर नंबर मेंशन कर रहे हैं जो कि सर्कुलर नंबर 183 है, ठीक है, जो 27 दिसंबर 2022 को आया था, ठीक है। तो ये सर्कुलर कहता है कि भाई आप 17-18 के एक्सेस ITC को कैसे डील करें। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप किसी नोटिस का रिप्लाई बनाओ, ASMT 10 का रिप्लाई बनाओ, तो आपको सपोर्टिंग लगानी है कि आप किस सपोर्टिंग पे के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि भाई वो जो ITC आपने एक्सेस क्लेम करा हो वो आपने पे कर दिया हो, तो आप उसकी डिटेल लगा दो या आप उसका रीज़न बता दो इस सर्कुलर को सपोर्ट में रखते हुए 17-18, 18-19 में।
ठीक है। अगर आपको 19-20 का आया हुआ है, ठीक है ना, अगर आपको 19-20 का आया हो तब भी ये सर्कुलर लगा सकते हो, उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि सर अगर हमारे को ये नोटिस आ रहा है तो हमें इसमें क्या लगाना है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं ये, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई आपने GST R 9 में, ठीक है, जो आपका टैक्स पेबल था, ठीक है ना, उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। अब आप ये बताओ कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, टैक्स ज़्यादा पेड कर दिया है, तो ये फिर भी हमसे डिफरेंस मांग रहे कि भाई 9 में ज़्यादा टैक्स पे करा है, 9C में कम टैक्स पे करा है, तो बताओ। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ें आएँ तो आप सिंपली लिख सकते हो कि हाँ भाई हमने 9 के अंदर टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है, जबकि हमारा कम बनता था, गलती से ज़्यादा पे कर दिया, अब हम उसका रिफंड भी नहीं लेना चाहते, तो इसमें गवर्नमेंट को क्या तकलीफ़ हुई है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को इस तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी पहले फैक्ट्स हैं, पहले क्लाइंट के वो फैक्ट्स को चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर अगर देखो डिफरेंस जो आ रहा है, 64 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो डिफरेंस है ये आपका आ रहा है, आप बताओ ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उन्हें मैं डिपार्टमेंट, अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ASMT 10 इस तरह का भेज रहे हैं तो गलत है। अगर किसी का 64 पैसे का डिफरेंस है तो इस तरह का ASMT 10 ना भेजें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि भाई इस तरह का ASMT 10 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि जब आपने पॉइंट लिख दिया तो व्यक्ति तो उसका रिप्लाई दे गई ना, तो यहाँ पर उसका रिप्लाई क्या दूँ, आप बताओ क्या दूँ। अरे भाई राउंड ऑफ में आ जाता है इतना डिफरेंस, तो 64 पैसे के लिए क्या करें, ठीक है ना। तो इस तरह का नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो ये अनरिकनसाइल्ड ITC आ रहा है उसकी डिटेल आप बता दो अगर कुछ ऐसा आता है तो। इसके बाद होगा क्या कि रूल 42 और 43 के नोटिस बहुत आ रहे हैं। भाई रूल 42-43 क्या है, आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन करके उसे सीख सकते हैं। भाई रूल 42-43 क्या कहता है कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहे हो और साथ में एग्जम्प्ट सप्लाई भी दे रहे हो, और अगर आपने एग्जम्प्ट सप्लाई देने में कोई ITC यूज़ करा है, ठीक है ना, तो आपको उस ITC को रिवर्स करना चाहिए। तो इसका सिंपल रिप्लाई क्या होगा कि अगर भाई मैं एग्जम्प्ट सप्लाई दे रहा हूँ और एग्जम्प्ट सप्लाई को देने में अगर मैंने कुछ यूज़ करा है इनपुट या कैपिटल गुड्स, तो ही तो मैं रिवर्स करूँगा। अगर मैंने कुछ यूज़ ही नहीं करा है, मेरे सारे कैपिटल और इनपुट गुड्स 100% इसमें यूज हो रहे हैं, तो मैं रिवर्स क्यों करूँगा। तो यहाँ पर रिवर्सल का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमेशा जब भी आपके रिटर्नों में एग्जम्प्ट सप्लाई आ जाएगी तो ये रूल 42 और 43 का रिवर्सल मांगेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि 42 और 43 के हिसाब से आपका रिवर्सल बनेगा भी या नहीं बनेगा। इसके बाद होता क्या है कि जो नोटिस होता है उसमें लिखा रहता है कि भाई आप हमारे को ना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, मैं तो कहूँगा हाँ कर दो भाई। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये कहते हैं भाई ITC रजिस्टर ला दो, इनवॉइस वाइज ब्रेकअप ला दो, ठीक है ना। तो भाई आपको क्या करना है, आप अपना टैली VG जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर से पूरा इनवॉइस वाइज रजिस्टर दे देना। बैलेंस शीट आपकी फाइनल हो ही गई होगी, वो बैलेंस शीट दे देना। ट्रेडिंग अकाउंट मांग रहे हैं तो भाई उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट भी दे देना। डेटर्स क्रेडिटर्स और बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं वो भी दे देना। परचेज लिस्ट दे देना कमोडिटी वाइज। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट दे देना। अगर कोई जॉब वर्क पे माल भेजा है, डिलीवरी चलान से माल भेजा है, इनवॉइस ई-वे बिल है वो भी दे देना, ठीक है। Tran 1 Tran 2 में कोई ITC लिया हुआ है वो भी दे देना। इनकम टैक्स की रिटर्न कॉपी दे देना। TDS और TCS की डिटेल भी दे देना। सर इसके साथ और क्या ले जाए, इसके साथ आप ले जाना बाबा भीमराव अंबेडकर को। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कहाँ से लाएंगे, इसका मतलब अपनी नॉलेज को, ठीक है। जब भी मैं बात करता हूँ भीमराव अंबेडकर जी की, तो इसका मतलब नॉलेज को, मतलब एक्ट उठा कर ले जाना कि जब वो आपसे रूल 38 की बात करे, ठीक है, रूल 42-43 की बात करे, बता दो सर मैंने रिवर्सल क्यों नहीं करा। अगर वो आपसे कहे कि भाई ये मिसमैच क्यों आ रहा है तो सर्कुलर दिखा देना। अगर वो कहे ये 19-20 में नहीं लगता तो हाई कोर्ट की जजमेंट दिखा देना। अगर वो कहे ये ITC नहीं मिलता तो इस हाई कोर्ट की जजमेंट दिखा देना, लेकिन इसका रिप्लाई ज़रूर दे देना। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे पे कई तरह के ASMT 10 आए हुए हैं जिसका हम डेली बेसिस पर रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई 3B और 2A में डिफरेंस है,
अरे भाई 3B और 2A में तो डिफरेंस आएगा ही ना, हमने रीज़न आपको बता दिए, वो रीज़न पहले आप फाइंड आउट कर लो लेकिन, कि भाई आपके केस में कौन सा रीज़न है, आपका सप्लायर मर गया, भाग गया, क्या हो गया, ठीक है ना, क्या कंडीशन है। हो सकता है आपको जो SMT 10 आए, ठीक है ना, आपको जो SMT 10 आए वो सेक्शन 16(4) के लिए आ जाए, तो पहले आपको ये देखना है कि आपको SMT 10 आया किस लिए है, ठीक है, और उसका समय से पहले रिप्लाई बना दो। अगर आप लेट करोगे, ठीक है ना, कई बार जो SMT 10 आएगा उसमें लिखा ही नहीं होगा कि भाई ये तुम्हें क्यों दिया, तो इसके बाद ना एक दूसरा इसका जो मैनुअली होता है वो उसमें डिटेल लिख कर देते हैं, तो वहाँ से आप डिटेल ले लेना। आ रहा है ना यहाँ पर, ज़्यादातर आपको 3B और 2A के आ रहे, तो भाई 2A की वजह से जो गलतियाँ हैं पहले वो चेक कर लो और ये सर्कुलर आप लगा दो। और अगर आपको फिर भी कोई रिप्लाई बनाने में दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, हमारी पेड सर्विस इसके बेसिस पे ले सकते हो। समझ आ गई मेरी बात या नहीं, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप हमारा फुल कोर्स GST का, इनकम टैक्स का हमारा चल रहा है, और अब आप कहते थे कि भाई मोबाइल पे हमें आपका कोर्स देखना है, तो ऐप के थ्रू अब हम कोर्स करा रहे हैं, तो फटाफट से इसमें ज्वाइन कर लो, हमारी टीम से बात कर लो कौन कौन से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। हमारी मैगजीन में हम इस बार जो SOP आई है वो भी डिस्कस करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट आपको हमारा परचेज करना है हमारी टीम से बात करके ले लो, अपनी नॉलेज पर ध्यान दो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी बताना कि आपको SMT 10 आ रहे हैं क्या, किस किस तरह के SMT 10 आ रहे हैं, जिससे कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।